जय श्री राम वाला फिर क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं बात बढ़िया हूँ, फुल आप सब बेचे होंगे। सो गाइस, अभी कुछ कुत्ते बाहर बहुत भौंक रहे थे, मैंने बाहर जाके देखा था वो गाय आ रखी थी, उसको परेशान कर रख रखा था, एक दिन तो काट भी लिया था टांगों पे। सो गाय को रोटी देते हैं और शुरुआत करते हैं आज दिन की। सुबह तो अभी टाइम हो रहा है 4:05 और अभी सभी तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स आ रखी थी मेरे फ़ोन पर, मैंने देखा नहीं था, मैं सो रहा था। तो अभी चल के देखते हैं क्या सीन है। मैंने कॉल किया दोबारा तो कॉल नहीं उठा रहा, हो बदला ले रहा होगा कि उसने नहीं उठाई दोबारा। चलता है देखते टाइम भाई सोने का। ये टाइम है ये सोने का, तू क्यों नहीं उठा रहा था फोन? अबे मैं तो साइलेंट पर करके सो रहा था। टाइम होता है भाई किसी चीज का, 4 बज गए। सारे खुद तो फोन उठा नहीं रहा था, मैं घर पे भी गया था। घर पे भी गया और क्या? किस टाइम जब कॉल नहीं उठाया? मैं नींद नहीं खुली। सो गाइस, ये इतना बड़ा नल्ला बेरोजगार छपरी यूट्यूबर ये बस पूरे दिन फोन में लगा रहता है, ना कोई ना काम ना धाम, बस इसकी वीडियो देखता रहता है। देख लो नल्ला, हम तो एक बार ही सुबह शाम के बज रहे हैं 4:30 और टाइम टू टी। सो मेरे पास है चाय और ये भुने हुए चने, सो खाते हैं। और गाइस समझ में नहीं आ रहा यार खाने में क्या बनाऊं आज। बनाना तो सारी चीजें आती है लेकिन बनाऊंगा, खाने का तो कुछ मन नहीं कर रहा। मेरे सब्सक्राइबर भी तो इतने नहीं है कि एक बार मैं पूछूं कि हाँ गाइस आज क्या बोलूँ खाने में, तो जल्दी से कमेंट आ जाए। सो गाइस शाम के हो चुके हैं 6:30 और थोड़ा दीप वगैरह जलाते हैं। शाम हो चुकी है, दीप वगैरह जलाते हैं। और विक्की कह रहा है कि आएगा वो आज, सो मैंने बोला कि खाना बना लो, उसने बोला कि नहीं मैं जब आ जाऊँगा तभी बनाएंगे कुछ, तो आ रहा है उसके बाद ही देखते हैं क्या बनाना है। कोई बंदा रहता है साथ में तो सही रहता है, आइडिया आता है क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। तो गाइस विक्की कर रहा है काफ़ी ज़्यादा लेट, देख लो 9 बज के हो गए हैं 40 मिनट और अभी तक विक्की कोई रहता पता नहीं है। तो मैंने सोचा खाना बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, दाल वॉश करके चढ़ा दिया मैं कुकर में, तो सर दाल बन गई है। और चावल बना लेते हैं आज, चावल खाने का मन है, सो चावल बनाते हैं तब तक विक्की भी आ जाएगा। भैया उसका वेट करता वो कब आता फिर कब खाना बनता। खाना बनाते हैं चावल में ज़्यादातर इसलिए बना लेते हैं क्योंकि इजी पड़ता है, रोटी में आटा गूंदना पड़ता है फिर बनाओ। चावल में क्या है वॉश करके फिर चढ़ा दो, चावल रेडी, चावल बनाते आज। बाकी बर्तन वगैरह तो मैंने सब साफ कर लेता हूँ, पूरे बर्तन वगैरह नहीं, किचन वगैरह बहुत मस्त साफ कर रखा है पूरा। बताता हूँ मार से काट लेना तोड़िए। सो गाइस अब जाके आया है विक्की, देख लो ये कह रहा था खाना मत बनाइयो। कुछ ना काम ना धाम, बस पूरा दिन किसी के घर में भी आ जाओ ना पूछो भाई मैं तेरे घर आ जाऊँ, क्यों आ जाऊँ भाई। ये तो उसका डायलॉग है भाई, काम कर ले इसलिए घर वाले निकाल देते हैं।
तो तुम मना क्यों कर रहा था मुझे खाना बनाने के लिए, ये बता तू मुझे क्यों? क्योंकि वो अपने घर से खा के आ जाता ना। मैं बोले कल बर्थडे में आ गया हुआ था। तो तू खाना खा के आया? थोड़ा सा खाया। तूने ये मना क्यों करा कि खाना मत बनाइयो, मैं आऊंगा तब बनाएंगे? तू ही तो बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा। सो गाइस खाना रेडी हो चुका है, अब खाना खाते हैं। अमित भी है। और सो गाइस खाना रेडी हो चुका है, अब खाना खाते हैं। और केसोया भी है। खाने में है आज दाल चावल सब्जी। खाने में आज है दाल चावल सब्जी। अबे आना विक्की, अबे भैया आओ ना। हाँ बोला था दोस्त। यो तो मैं खाना खा के मिलता हूँ आपसे। तो गाइस खाना खा लिया, अब इनको देते हैं क्या बोलते हैं खाने के बाद, डेजर्ट चॉकलेट्स। अरे दोस्त बड़ी देना। अरे सारे दे दे। छुपा के रखने पड़ते हैं गाइस, इनसे सभी तो रोज आके खा के जाता है। अभी वो देखेगा उसने एक मांगा था, बेचारा भूल गया। देखेगा ब्लॉग पे। अरे मेरा खा कहाँ से आ जाए अभी है। सो खाना पीना हो गया, अब सोएंगे थोड़ी देर में। कहाँ सोएगा? यहीं का तीन थोड़ी लूँगे इस बेड पे। मैं नीचे या फिर उस रूम में सो जाऊँगा मैं, तुम दोनों इस पे सो जाओ। या तू सोएगा उस रूम में अकेले? अबे चलना साले, तू नीचे सो जाइ। अबे चलना ऊपर ही चलते हैं। ऊपर क्यों जाएगा? तीनों हो जाएंगे एक ही बेड पे। तो क्या बोलती पब्लिक ऊपर चल रहे? कमेंट करके बताओ हमें ऊपर जाना चाहिए। अबे अच्छा सोचा तब तक सो ही नहीं है, कल 12 बजे तक बैठे। मैंने वीडियो डाल दिया, अब इंतजार करो कोई कमेंट कर रहा है। और कोई कमेंट नहीं कर रहा, बस मेरे पापा मम्मी कर रहे हैं। सो गाइस कल हमने, मैंने और सुमित ने देखी थी वेब सीरीज, कौन सा क्या नाम था, फर्जी का पहला एपिसोड देखा था। अभी देख रहे हैं हम वापस से सेकंड एपिसोड। इतना से देख लिया था आधा इसका, है ना? उसके अगले हफ्ते वो गुजर गया। फर्जी बेच असली अपने पास है, क्योंकि फर्जी रखने वाला अगर पकड़ा गया ना तो कोई वादा नहीं, लेकिन बेचने वाला फर्जी पकड़ा गया ना तो बहुत। इस बेड पे तो नहीं हो पाएगा, मैं उस रूम से गद्दा ले आता हूँ और नीचे भी सोता हूँ। ऊपर जाने में दिक्कत होगी सोने में, तो उस रूम में ये वाला एक गद्दा बिछा देते हैं उस रूम में, और नीचे मैं सो जाऊँगा और बाकी सो में तो वो उस रूम में सो जाएंगे, मतलब बेड पे सो जाएंगे। गद्दा ले सकते हैं, कम्बल भी ले सकते हैं। यहाँ पे लगा लिया बिस्तर, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। ये सब और शांति के लिए नहीं है ना चाचा। सो भाई बिस्तर वगैरह आ गया, खाना पीना भी खा लिया। सो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। ओके इस रूम में आवाज़ गूंज रही है सर, मैंने यहाँ से गद्दा हटाया था, आवाज़ गूंज रही है। वाह। सो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। दिल से थैंक यू डेली व्लॉग देखने के लिए। बाय, लव यू। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।